अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रफ़ीक और आप देख रहे हैं रफ़ीक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आप में से अगर किसी को कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान चाहिए हो तो आप ऐसा करते हैं कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से जाके उसको परचेज़ कर लेते हैं जो काफ़ी महंगा पड़ता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीक़ाकार बताऊँगा जिस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है वो ख़रीद सकते हैं बहुत ही कम कीमत में। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने फ़ौरन नोटिफिकेशन के ज़रिए आ सके। तो दोस्तों, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ हमारे जो कराची है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ मार्केट है जहाँ पे आपको तमाम घर की जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यूज़ में मिल जाती हैं आसानी से। तो कुछ थोड़े महंगे होते हैं जो ऑन होते हैं, बिल्कुल चालू हालत में होते हैं तो वो थोड़े से रेट ज़्यादा होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें छोटे मोटे मसले होते हैं तो वो उसको रिपेयर करके आसानी से उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ प्रोडक्ट जो है ना वो कबाड़ मार्केट से ख़रीद के लेके आया हूँ, तो आज मैं आपको इसके बारे में जो ना डिटेल बताऊँगा। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो आप देख सकते हैं मैं आपकी स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ वो लैपटॉप की बैटरीज दिखा रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी सारे लैपटॉप की बैटरीज ख़रीद के लेके आया हूँ। तो ये जो एक बैटरी का सेट है ये मुझे मिला है 230 रुपए के हिसाब से मुझे मिला है। तो मार्केट में थोड़ी सी शॉर्टेज थी तो इस वजह से थोड़ा सा रेट ज़्यादा पड़ा है। वैसे इसके जो रेट है वो 200 रुपए हैं। तो आप अगर आप जाते हैं मार्केट में तो आसानी से आपको ये यूपी कबाड़ मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ आप देख सकते हैं, ये एक इमरजेंसी लाइट है मेरे सामने। तो ये आप देख सकते हैं, इसको अगर आप नया ख़रीदने जाते हैं तो ये 700 से 800 रुपए का ये इमरजेंसी लाइट है। ये कबाड़ मार्केट से मुझे मिला है, 30 रुपए का मिला है, सिर्फ 30 रुपए का मिला है। इसमें क्या मसला है? कोई भी बड़ा मसला नहीं है। इसमें सिंपल एक बैटरी होती है तो इसकी बैटरी ख़राब हो जाती तो ये ज़ाया हो जाता, तो बैटरी लगाएंगे तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है, ये आप देख सकते हैं फ्रिज को जो ना वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो डिवाइस है ये मार्केट से मिलता है 700 से 800 रुपए तक का मिलता है। ये मैंने जो लिया है कबाड़ मार्केट से 30 रुपए का लिया है। और ये मेरे पास एक दो कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड कीबोर्ड है। कुछ दिन पहले मैंने इस कीबोर्ड की जो ना अनबॉक्सिंग की थी जो मुझे 700 रुपए का मिला था मार्केट से, लेकिन ये मुझे मिला है 30-30 रुपए का मुझे मिला है। ये दो पीस जो ना मैं लेके आया हूँ, तो इसमें भी सर्विस की ज़रूरत है, सर्विस के बाद ये कीबोर्ड जो ना ऑन हो जाएगा। तो ये एक मॉस्केट किलर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके भी रेट आपको अच्छी तरह पता होगा, 800 से 900 रुपये तक का इसका जो रेट है मार्केट रेट है। मुझे ये सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये में मिला है और इसके अंदर सिर्फ इसकी बैटरी ख़राब है, बैटरी हमने चेंज करनी और ये बिल्कुल ऑन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं डीसी फ़ैन मेरे पास इस वक्त मौजूद है। डीसी फ़ैन आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से जो ना ये इसका जो रेट है वो 150 रुपये 150 रुपये का एक पीस मिलता है, लेकिन ये तीन पीस का जो सेट है ये मैं लेके आया हूँ 100 रुपये का ले गया हूँ। तो इसके साथ एक और सेट है मेरे पास जो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, ये भी सेम रेट में मुझे मिला है, 150 रुपये का तीन पीस मिला है, 100 रुपये का तीन पीस मिला है। और इसको अगर एक मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो वो 150 रुपये का मिलता है। ये मेरे पास एक बैटरी बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं एक और बैटरी बॉक्स है, ये दो बैटरी बॉक्स है जो लैपटॉप की नहीं है बल्कि किसी और डिवाइस की है, ड्रिल वगैरह की है। तो ये भी बैटरी बॉक्स ये 20-20 रुपए में मिला है मुझे। तो बहुत ही कम रेट में आप इसमें इससे से बैटरी से जो ना वो कलेक्ट कर सकते हैं आसानी से, जो 18650 की बैटरी है वो इसमें से निकल आती है। अच्छा, ये इसके बाद मैं आपको एक एलईडी दिखा रहा हूँ, ये डेकोरेशन एलईडी होती है, शॉप वगैरह में लगती है, तो इसको जब लगाते हैं तो ये घूमती है और इसकी जो लाइट है वो चमक होती काफ़ी अच्छी खूबसूरत कलरफुल इसकी चमक होती है। तो ये जो तीन लाइटें मैंने आपको अभी दिखाया वो मुझे मिला है, तीन लाइट जो ना 50 रुपये का मिला है। इसमें छोटे मोटे मसले होंगे वो मैं आपको रिपेयर करके चेक करा दूंगा। तो उसके बाद ये तीन पावर बैंक मैंने लिया, छोटे छोटे तीन पावर बैंक है, ये 20-20 रुपये के हिसाब से मुझे मिला है। इसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं होता, सिर्फ सिंपल ये होता है कि इसके जो USB पोर्ट वगैरह में है जो ना वो उसकी सफाई वगैरह करनी होती है, उसके बाद ये बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। और हो सकता है कि सोल्डिंग वगैरह निकला हो तो थोड़े एक दो टांके भी लग दे तो सही हो जाता है। और अभी जो दिखाया मैंने ये भी एक बैटरी था जो इसका लैपटॉप का था। और ये जो आपके सामने एक अभी एक ग्लू गन है, इसको भी अच्छी तरह आप पहचानते होंगे, ये ग्लू गन जो ना ये 100 वाट का है, काफ़ी ये महंगा पड़ता है, तकरीबन 800 से 1000 रुपए का ये ग्लू गन है जो 100 वाट का है। तो इसकी बिल्कुल सही कंडीशन में है, बिल्कुल ओके है, खाली इसमें वायर लगाना है और इसके अंदर जो कॉयल लगी होती है गर्म करने के लिए हीटिंग एलिमेंट होती है उसमें शायद ख़राबी हो, वो 50 रुपये का मिल जाता है। तो आराम से ये 100-150 रुपये में ये जो हमारा हीट गन है सॉरी ग्लू गन है ये इजीली जो ना ये रिपेयर होके ओके हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ को आप कबाड़ मार्केट से ख़रीद के जो ना उसको छोटे मोटे मसले को रिपेयर करके उसको अपने घर में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही कम रेट में पड़ेगा। 10-10, 15-15 हज़ार की जो चीज़ें होती है वो 1000 रुपये की मिल जाती है, जो 1000 रुपये वाली चीज़ है वो 50-60 रुपये में मिल जाती है।
तो एक बार ज़रूर चक्कर लगाइएगा। यूपी मोड मार्केट है, कराची में है, तो इजीली आपको घर के हर आइटम मिल जाते हैं। जो मैंने आपको दिखाया ये तो मैंने अपने ज़रूरत के मुताबिक लेकर आया हूँ। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ आपको चाहिए वह आप इस मार्केट से आसानी से ख़रीद सकते हैं। हर किस्म की चीज़ें मौजूद है, बिजली के तमाम चीज़ें आपको ईज़िली इस मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं ये जो जितनी भी चीज़ें मैं लेके आया हूँ इन सब चीज़ों को मैं वन बाय वन जो है ना रिपेयर करूँगा और रिपेयर करके आपको दिखाऊँगा वीडियो बना के कि किस तरह इन सब चीज़ों को रिपेयर किया जा सकता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान होते हैं उनको किस तरह आसानी से रिपेयर किया जा सकता है और काफ़ी ज़्यादा पैसे की बचत हो सकती है। 1000 रुपये वाली चीज़ आराम से 50-60 रुपये का, 30 रुपये का, 40 रुपये तक का मिल जाता है। वो आप इजीली आके छोटा मोटा एक मसला होगा जो 50-60 रुपये में सही हो जाता है, उसको आप रिपेयर करके अपने घर के इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह के बेशुमार चीज़ इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ मार्केट है। इसके अंदर हर तरह की चीज़ें आपको घर की जितनी भी चीज़ें चाहिए, लाइटों से लेकर पंखे, मोटर शटर जो भी है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी ईजीली और बहुत ही कम रेट में मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस मार्केट का विज़िट कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें। और दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि हर कोई इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।